नशे पर लगाम लगाने के लिए आए दिन अंबाला पुलिस का एक्शन देखने को मिलता है। तस्कर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंबाला पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। ताजा मामला अंबाला शहर के सेक्टर 8 से सामने आया है, जहां पर हरियाणा एंटी नारकोटिक्स टीम की अंबाला इकाई ने सुमित उर्फ घोंचू नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। मामले के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सुमित उर्फ घोंचू, जो अंबाला शहर का रहने वाला है, वह नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता है और आज भी इंजेक्शन बेचने के लिए जाएगा। इस बीच पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए आरोपी को सेक्टर 8 से गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 ब्यूरो फाइन इंजेक्शन बरामद हुए। फिलहाल ये नशीले पदार्थ कहां से लेकर आता था और कहां सप्लाई करता था, इस बारे में जांच की जाएगी। सर, ये हमारा हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का विभाग है, जिसके प्रमुख श्री एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक हैं श्री शशांक सावन जी और अनिल कुमार जी, और हमारे डीएसपी साहब हैं श्री जगवीर सिंह जी, और इंस्पेक्टर श्री सतवीर सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम दिन रात यह कार्य कर रही है। हमें एक दोपहर के समय में सूचना प्राप्त हुई हमारे एसआई मतलूब खान जी और फूल सिंह जी और गुरमेल जी और अशोक जी ड्यूटी पे थे, गश्त पे थे, कि शनिदेव मंदिर के नज़दीक कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ बेच रहा है। तो हमने रेस्क्यू किया तो उससे 15 इंजेक्शन बरामद हुए और उसके खिलाफ कार्रवाई जो कानूनी बनती थी वो हमने कर दी, मुकदमा दर्ज सेक्टर 9 में कर दिया। और अभी इसने आगे जो नाम बताया है कोई यहीं का लोकली व्यक्ति है, कोई सप्लायर है, आगे देखेंगे जो 33 का विषय होगा वो मेरे द्वारा अमल में लाई जाएगी।